अरे रे 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 रे। नॉन स्टॉप है, नो ब्रेक नहीं लगता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सांत्वना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने वाली हूँ होली में खाए जाने वाली चकली और नमकीन पारे, सलोनी कहते हैं हमारे यहाँ पर। तो चलिए बनाते हैं चकली और सलोनी। बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ना, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब मैं और आगे वीडियो बनाऊँ तो उससे आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए बने रहिए मेरे व्लॉग में लास्ट तक। दोनों माँ बेटी मिलकर बना रहे हैं हम लोग होली के लिए सलोनी और चकली। और ये देखिए चकली के लिए मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने सभी को मिक्स कर लिया है। इसमें है एक कटोरी बेसन, दो कटोरी चावल का आटा और दो कटोरी गेहूं का आटा। और इसमें मैंने डाले हैं तिल, थोड़ी सी पीसी मिर्ची और अजवाइन। और अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पर, ये थोड़े से सलोटी बन चुके हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और पिंच ऑफ मैंने इसमें ऐड किया है सोडा और स्वाद के अनुसार नमक। तो इसे पहले अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ, उसके बाद में फिर मैं इसमें दूंगी तेल का मोयन। नीचे ठंडा वाला है ना, बहुत डरती है मम्मा। गरम। और ये देखिए यहाँ पर ये जो सूखे सामान थे उन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं उसमें ऐड कर दूंगी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैं इसमें जीरा भी ऐड करूंगी। मैं बोलना भूल गई थी आप लोगों से, तो अभी मैं कर रही हूँ इसमें जीरा ऐड। तो ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमें इसका थोड़ा गीला डो बनाना है, ताकि हमारे जो चकली की जो मशीन है, मुरकू मशीन, उससे ये अच्छी तरह से निकल सके। इसी समय हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम तेल, घी भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा और गीला हो गई है। नहीं, बस इतना ठीक है। तो इतना गीला आप लोगों को इसको कर लेना है अगर आप बनाना चाहते हैं तो। तो ये वाले सांचा का मैं यूज करूंगी, और इसमें ये वाला जो स्टार शेप है ये हम इसमें डाल देंगे। और इधर देखा ना, ये देखिए ये तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं इसे, ये इस तरह से। और अब पीयूषा मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पर, तो मेरी बेटी हर काम में मेरा हेल्प करती है और डांट भी खाती है वैसे ही। और ये देखिए पीयूषा से कितना सुंदर बन रहा है। बस बस बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। तो इसी तरह से हम बना कर रख लेंगे, फिर हम करेंगे इसे फ्राई।
16। शिवांश भैया अभी छोटा है, अभी नहीं बनाएगा वो। तरह से तेल में डाल के अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और फिर हमारी चकली रेडी। और इसे उठाते हुए थोड़ा सावधानी रखें ताकि ये टूटे ना। बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में, आप चाय के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं और होली में तो मैंगो चटनी के साथ। सुने तो पीयूषा को ये पसंद है मैंगो चटनी के साथ। और इस तरह से इसे फ्राई कर लीजिए। से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ये देखिए ये इस तरह से, और ये हो चुका है तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए ये सब जो मैंने पहले डाले थे वो सब अब तल चुके हैं, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इन्हें मैं बाहर निकाल लूँगी और फिर हमारी चकली तैयार। तो होली में आप लोग भी बनाइए चकली और इन्जॉय कीजिए। और एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली। बहुत टेस्टी है। तो ये रही दोस्तों होली स्पेशल चकली, और सलोनी बनकर बिल्कुल रेडी है। और सलोनी की जो रेसिपी है वो जो मेरे मायके वाला व्लॉग है उसमें मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप लोग अगर सलोनी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। और चकली की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, अगले किसी रेसिपी या व्लॉग बनाते हुए। तो चलिए मिलती हूँ अगली बार, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो भैया क्या बदमाशी कर रहा है, इधर इधर देखो भैया क्या बदमाशी कर रहा है। आ जाओ इधर आ जाओ आदि, चल आ जाओ आ जाओ बिट्टू। अनन अनन इधर आ इधर आ इधर आ। और दे आर्या बिट्टू चिड़िया रानी किधर है? आ जाओ आ जाओ। किसकी दीदी आ गई, किसकी दीदी आ गई, किसकी दीदी आ गई? मेला आ गई।
चिड़िया रानी किधर है? किधर है चिड़िया? हाँ, कहाँ है चिड़िया रानी? कहाँ है? कहाँ है? आओ इधर।